नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग और एक फिजिक्स की चैप्टर्स थ्योरी एकदम डिटेल में कर लेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोडेड है गाइस, ज़रूर देख लेना। एक है आपके यूनिट्स के ऊपर, एक है आपका 1 डायमेंशन मोशन इन 1 डायमेंशन में, और एक है आपका मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। वो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, ज़रूर देख लेना। आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक फोर्सेज इन नेचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लो, हम लोग का जो है पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या करती है, अट्रैक्ट करती है 2 मासेस को। ये हमेशा ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। समटाइम इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज टेकन विद नेगेटिव साइन भी, ठीक है। हेंस समटाइम इसको नेगेटिव साइन में भी लिया जाता है। और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये आपका एक्सपैंड हो सकता इन्फिनिटी तक। मतलब सोचो, एक्सपैंड होता है इन्फिनिटी तक, इसका चल सकता है। और ये जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, स्क्वायर लॉ, वो भी इन्वर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉर्म करती है, ठीक है। उसका क्या है फोर्स का, हो जाएगा 1/r², ठीक है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉर्म करती है, और ये एज्यूम्ड है क्रिएटेड बाय पार्टिसिपल कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये एज्यूम किया जाता है, ये क्रिएट जो है ग्रेविटेशन के लिए हुआ है। ये सेंट्रल फोर्स है, और इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। ये सेंट्रल फोर्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये कंजर्वेटिव इन नेचर है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जितने भी फोर्सेज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ये सबसे कमजोर वाला फोर्स है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वीक फोर्स। तो देखो, वीक फोर्स जो है, फोर्स एसोसिएट विद बेटा डीके इज रेडियो एक्टिविटी, जो है वो वीक फोर्स जाना जाता है। तो इसमें देखो, मोर ओवर द लेप्टॉन्स इंटरेक्ट विद लेप्टॉन्स बेरियंस एंड मेशंस थ्रू दिस वीक फोर्सेस को करती है। तो ये बेसिकली आप याद रखना, जो इट इज़ अ फोर्स एसोसिएटेड विद बेटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। इसमें आपको समझ में आएगा कुछ चीज़ें, जैसे फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर 2 स्टैटिक चार्ज के बिटवीन कोई फोर्स होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसके बाद देखोगे, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोल्ड, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, और उसके साथ मैग्नेटिक फोर्स भी उसमें है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बियर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आपका प्रॉपर्टीज क्या होगा, इट में अट्रैक्ट और रिपल्सिव इन नेचर। अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल्सिव भी होता है, दोनों हो सकता है। इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स। आपका क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि फोटोन्स जो है आपका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, आपको याद रखना, लॉन्ग रेंज फोर्स है। और आपका जो है, इट इज़ 10^11 टाइम स्ट्रॉन्गर है वीक फोर्स से, एंड 10^36 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब अगर वीक फोर्स से कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे, तो ये 10^11 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करोगे, ये 10^36 स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये सेंट्रल फोर्स है एंड कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मतलब जो हम लोग न्यूक्लियर फोर्स भी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। ये ऑब्वियसली न्यूक्लियर ओरिजिन है, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। देखो, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है, ये अट्रैक्टिव नेचर है। ये सिर्फ जो है अट्रैक्टिव इन नेचर है। और आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, एंड ऑपरेटिव ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो ये काम करती है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है, और उसका जो डिस्टेंस है वो 10^-14 m है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लो, इट इज़ नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये न्यूक्लियर फोर्स, एक्टिंग इन नेचर, जो नेचर है। और द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर आप इसको देखोगे, सभी का रेशियो करोगे, तो वो रेशियो हो जाएगा 1:10^25 to 10^36 to 10^38। ये किसका है, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आपका न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये जो आप रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो किसका हो जाएगा, पहले आपका आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स 1:2, उसके बाद वीक फोर्स
10^25, उसके बाद आएगा 10^26 इलेक्ट्रोमैग्नेटिव एंड 10^38 आएगा आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेशियो याद रखना। तो चलो गाइस, ये था बेसिक फोर्स इन नेचर। अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।